हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम आज क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन के जो NCERT सॉल्यूशंस हैं वो स्टार्ट करेंगे। इसमें इसके पहले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके MCQ हैं और ब्लैंक्स हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं NCERT इन टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, सपोज योर राइटिंग टेक्स्ट इज द टाइटल ए लिटिल अ बुक कैप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो सपोज करो एक डेस्क पे आप बुक रख के लिख रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपने जब लिखा तो लिखते हुए जो आपकी जो बुक रखी हुई थी वो स्लाइडिंग करना शुरू कर दी, ठीक है। तो आप बताओ कि फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लग रहा था। तो आपको पता है कि अगर कोई चीज़ स्लाइड कर रही है तो फोर्स उसको रोकने की कोशिश करेगा, जो फ्रिक्शन फोर्स उसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। कैसे, मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये टेबल थी, थोड़ी सी एसी थी, तो अभी यहाँ पर ये जो बुक है आपकी और वो नीचे जाने लगी, ठीक है। अब इसको अगर कोई रोकने की कोशिश कर रहा है तो वो कौन रोकने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन रोकने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रिक्शन उसको क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तब वो उसको रोकेगा, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट अपवर्ड, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू दैट ऑफ द स्लाइडिंग बुक। अगर बुक स्लाइड कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यू स्पिल ए बकेट ऑफ द सोपी वाटर ऑन ए मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली, वुड इट मेक इट ईजर और मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर, वाई। आप एक बकेट लेके जा रहे हैं साबुन के पानी से भरा हुआ और अचानक से वो मार्बल पे गिर गई, मार्बल फ्लोर पे गिर गई। अब आपको ये बताना है कि वहाँ पे चलना आपके लिए ईजी होगा या फिर टफ होगा और क्यों होगा। तो हम देखते हैं, द लेयर ऑफ द सॉप मेक द फ्लोर स्मूथ, पहले तो वो मार्बल है और साबुन गिर गया तो आपको पता है ना कि वो और क्या होगा, स्लिपी एरिया बन जाएगा, ड्यू टू विच द फ्रिक्शन इज रिड्यूस, तो वहाँ पर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस मेक्स द फ्लोर स्लिपी एंड द फूट कैन नॉट मेक ए प्रॉपर ग्रिप ऑन द फ्लोर। तो इस तरीके से हमारा पैर जो है वहाँ पे ग्रिप नहीं बना पाएगा और हम क्या हो जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे। देयरफॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन ए सॉपी फ्लोर, वी मे स्लिप ऑन द फ्लोर, और इसलिए हमें वहाँ चलना, जो सॉपी फ्लोर है वहाँ पे चलना मुश्किल हो जाएगा और जो है स्लिप होके हम क्या हो जाएंगे, फ्लोर पे गिर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पिक्स। जो आपने देखा होगा ना, स्पोर्ट्समैन के शूज़ होते हैं वो नीचे कांटे से, मतलब कांटे में एक खुरदुरापन सा होता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, तो इसलिए होता है क्योंकि उसकी वजह से जो है फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होता है, और फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से स्पोर्ट्समैन अपने पैर को ज़मीन पर ज़्यादा देर तक रख सकेगा। तो हम देखते हैं आंसर कि स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पिक टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द शूज एंड द सरफेस, सो द शूज विद स्पिक्स डू नॉट स्लिप व्हाइल द स्पोर्ट्समैन रन एंड प्ले। तो स्पोर्ट्समैन क्या करता है, जब दौड़ता है या चलता है तो उसके शूज और सरफेस के बीच में क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका पैर क्या होगा, वहाँ पे ठहरा रह सकेगा, इसलिए उसके जो शूज होते हैं उसमें क्या होते हैं, स्पिक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इकबाल हैज टू पुश ए लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज टू पुश ए सिमिलर हैवी बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर, ठीक है। एक फ्लोर सेम फ्लोर है, वहां पर इकबाल जो है वो पुश कर रहा है एक हल्के से बॉक्स को, और जो सीमा है वो पुश कर रही है, सेम बॉक्स है, ठीक है, लेकिन उस वो ज़्यादा भारी है और फ्लोर उसका सेम है, ठीक है।
हु विल हैव टू अप्लाई ए लार्ज फोर्स एंड वाई, किसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है और क्यों? तो आंसर देखते हैं। आपको पता है कि जिसका वेट ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे फोर्स भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। जितना फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा उतना ही हमारा भी फोर्स क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो आंसर देखते हैं, ए हैवी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन, जितना ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा वो ज़्यादा ही फोर्स क्या होगा, प्रोड्यूस करेगा। एज इट इज़ प्रेस्ड हार्ड अगेंस्ट द अपोजिट सरफेस, अपोजिट सरफेस को वो क्या हैगा, उतना ही ज़्यादा हार्ड प्रेस करेगा। सो सीमा विल हैव टू अप्लाई लार्ज फोर्स, तो सबसे ज़्यादा फोर्स किसको लगाना पड़ेगा, सीमा को, क्योंकि सीमा के पास क्या है, हैवी ऑब्जेक्ट है और हैवी ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, जिसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पर फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा वो कम कैसे, मतलब जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों होता है। अब देखो स्लाइड कैसी होती है आपको पता है ना, ऐसी, ठीक है, इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ऐसे आएगा, स्टैटिक क्या हो गया, सीधा हो गया। तो अगर ऑब्जेक्ट सीधे स्टेट पे रखा हुआ है और आप उसको धक्का मार के लेके आगे जा रहे हो, या फिर आपने उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा और उसको स्लाइड करते हुए लेके जा रहे हो, तो आपको फोर्स कहाँ कम लगेगा, ऑब्वियस है कि आपका फोर्स यहाँ पर कम लगेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। तो यही पूछा गया है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है क्यों, तो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट गेट लेस टाइम टू द इंटरलॉक इन टू द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑन द फ्लोर, जो फ्लोर के साथ कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, कम होता है, वो ऑब्जेक्ट को जो इंटरलॉक करने की क्षमता होती है वो क्या होती है, कम होती है। सो इट इज़ समवॉट इजर टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इन मोशन देन टू गेट इट स्टार्टेड, तो अगर स्लाइडिंग एरिया है तो वहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट आसानी से आगे की तरफ अपने आप ही ऑलमोस्ट मूव करता रहेगा। आपने बचपन में खेला होगा ना कि जब रोड ऐसी होती है नीचे की तरफ स्लाइड करती है तो कितना मज़ा आता है साइकिलिंग करने में, पैडल भी नहीं मारना पड़ता और साइकिल क्या होती है, अपने आप नीचे चली जाती है। मैं तो बहुत मज़े करती थी, आई होप आप भी करते थे। ओके, तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन था जिसकी वजह से हमारी साइकिल में हमें फोर्स भी नहीं लगाना पड़ता था और वो क्या हो जाती थी, आगे मूव कर जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ ए फ्रेंड एंड ए फो। इस चैप्टर में बेटा दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड एंड फो और एक क्वेश्चन जो स्पोर्ट्समैन के स्पिक्स वाला था, ठीक है। ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो आपने ये बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट आंसर देखते हैं हम, फ्रेंड मीन्स दोस्त, जो फ्रिक्शन है वो हमारा फ्रेंड भी है और हमारा दुश्मन भी है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे, तो सम पॉइंट्स आर गिवन बिलो विच शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ ए फ्रेंड एंड ए फो। तो फर्स्ट हम देखते हैं फ्रिक्शन एज ए फ्रेंड, फ्रिक्शन जो है फ्रेंड कैसे है हमारा, पहले इट अलाउ अस टू ग्रिप एंड कैच एनी ऑब्जेक्ट, ये क्या करता है, ग्रिप को अलाउ करता है और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे हाथों में ग्रिप नहीं होगी तो हमारे हाथ से चीज़ें क्या हो जाएंगी, फिसल जाएंगी, छूट जाएंगी, ठीक है। तो ग्रिप की वजह से हम किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इट हेल्प्स अस टू वॉक कंफर्टेबली ऑन द फ्लोर, अब फ्लोर पे अगर ग्रिप होगी तभी फ्रिक्शन होगी तभी हम चल पाएंगे ना, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी या जो स्लिपी एरिया होगा तो हमारा चलना मुश्किल हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे। नेक्स्ट इट हेल्प टू मिनिमम द स्पीड और टू स्टॉप एनी ऑब्जेक्ट, देखो हम अगर कोई व्हीकल्स चला रहे हैं, ठीक है, तो अब व्हीकल में हम अगर स्पीड दे रहे हैं तो वो आगे बढ़ रही है, स्पीड कम कर रहे हैं तो स्लो हो रही है, ब्रेक लगा रहे हैं तो क्या हो रही है, रुक रही है, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो उसको हमारे लिए रोकना मुश्किल हो जाएगा और वो आगे 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 बढ़ता रहेगा, ठीक है। इट हेल्प अस टू राइट, अगर हम पेन से लिख रहे हैं, ब्लैकबोर्ड पे चॉक से लिख रहे हैं, मार्कर से लिख रहे हैं, तो उसमें भी क्या होता है, फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा और हमारा लिखना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा।
चलो ये तो दोस्ती हो गई हमारी फ्रिक्शन के साथ, अब देखते हैं दुश्मनी क्या है भाई। तो फ्रिक्शन एज ए फो, इट कॉज वियर एंड टीयर इन ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट को वियर टीयर हो जाता है, का कारण क्या है फ्रिक्शन। इट कॉज डैमेज टू द पार्ट्स ऑफ द मशीन एंड टूल्स विच फर्दर रिक्वायर अ मैनी टू गेट देम रिपेयर। तो क्या होता है इसकी वजह से मशीनें जो है फ्रिक्शन की वजह से डैमेज हो जाती हैं, पार्ट्स उसके ख़राब हो जाते हैं और फिर उनको सही करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इट रिड्यूस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट सो मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड। अब जैसे कि हमने लिया था कि ऑब्जेक्ट भारी था, उसको हमें आगे बढ़ाना है, ठीक है, तो फ्रिक्शन अगर ज़्यादा था तो हमें उसे बहुत फोर्स लगा के आगे की तरफ बढ़ाना पड़ रहा था, ठीक है। इट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, अगर मान लो कोई मशीन है जो हम हाथ से चलाते हैं, ठीक है, पता है ना जब उसमें बहुत स्लो चली जाती है या हमें बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है तो उसमें ऑयलिंग की जाती है ताकि उसकी फ्रिक्शन कम हो और जिसकी वजह से उसको मूव करना क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो जब फ्रिक्शन ज़्यादा होने लग जाती है तो हमें फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ जाता है ना। इट प्रोड्यूस हार्डल टू मूविंग एनी ऑब्जेक्ट फ्रीली। ये क्या होता है कि अगर ये इसके अंदर जो है मूविंग एनी ऑब्जेक्ट फ्रीली, अगर ये प्रोड्यूस ना हो तो सारे ऑब्जेक्ट क्या होंगे, फ्रीली क्या हो जाएंगे, मूव करने लगेंगे, ठीक है। और फ्रिक्शन होना भी हमारे लिए ज़रूरी है, फ्रिक्शन ना हो तो भी मुश्किल है और ज़्यादा हो जाता है फ्रिक्शन तो भी मुश्किल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, फ्रिक्शन फ्रेंड भी है और फो भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव द स्पेशल शेप। तो ऑब्जेक्ट देखते हो गया आप जो उड़ते हैं, ठीक है, उड़ते हैं उनकी शेप अलग से बनी होती है। एरोप्लेन उड़ता है, बर्ड्स उड़ती है, आपने कभी कंपेयर करके देखा है दोनों की शेप को कि लगभग कैसी होती हैं, सेम होती है ना। तो ये ऑब्जेक्ट जो होती है इसकी वजह से क्या होता है, इनके बीच में फ्रिक्शन आता है, इनकी शेप ऐसी बनाई जाती है कि इनमें फ्रिक्शन होता है। और फ्रिक्शन क्या होता है, इसकी शेप कट करके बर्ड्स की तरह, एरोप्लेन की भी शेप क्या होती है, बर्ड्स की तरह कर दी जाती है ताकि इनके बीच का जो फ्रिक्शन हो जाए वो कम हो जाए। ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो उसको मूव करना पड़ेगा आगे तेज़ी से, मतलब ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर फ्रिक्शन वही कम कर देंगे तो उसको मूव कराना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दी है, द ऑब्जेक्ट मूविंग मस्ट द हैव ए स्पेशल शेप टू द ओवरकम द फ्लूइड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम, ठीक है। एफर्ट आर देयर फॉर मेड टू मिनिमम द फ्रिक्शन। अगर उसकी शेप को कुछ चेंज किया जाता है तो फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो ऑब्जेक्ट आर गिवन स्पेशल शेप हैविंग पॉइंटेड फ्रंट विद लिटिल ब्रॉड बॉर्डर, ठीक है, मिडल पोर्शन विच गेट द टेपर्ड एट द बैक कॉल द स्ट्रिमलिंग। तो मीन्स जैसे कि आपने ये जो शेप बताई हुई है कि एरोप्लेन की शेप और बर्ड की शेप, उसी तरीके से शेप दी जाती है ताकि वो जो एयर में फ्रिक्शन है उसको वो ईजिली हैंडल कर सके। और इसी शेप को जो बोलते हैं वो स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, उनको आगे को फ्रंट में मूव करने में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ आ गए हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि मुझे पता लगे कितने बच्चे मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकूँ। और कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए। ओके स्टूडेंट्स।